और घर पे जाकर मेरे पिता को, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां मिली। अपने बिजनेस की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कॉल करें 7800008920। यूपी में चुनावी माहौल है, जहां एक तरफ घमंड की कंठी और दबंगई की माला एक घर में रखकर जनता को मीठे मीठे बोल में लुभाने को लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ छोटे नेताओं को धमकियों से सेट करने का भरपूर प्रयास जारी है। ऐसा इल्जाम है कन्नौज जिले के वार्ड नंबर 18 से भाजपा जिला पंचायत सदस्य भूपेश शाके का। भूपेश शाके का कहना है कि मौर्य समाज के कई नेताओं के सपा में शामिल होने के बाद उन पर भी सपा में जाने का दबाव बनाया जा रहा है, और सपा में शामिल न होने पर राहुल यादव नाम के सपा नेता ने उनकी गाड़ी पर हमला किया, साथ ही उनके घर पर जाकर परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। मैं भूपेंद्र शाक्य, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 से भारतीय जनता पार्टी से नव निर्वाचित अभी पंचायत चुनाव में हुआ हूँ। दो चार दिन पहले हमारे एक बड़े समाज के नेता जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए हैं, तो वो गए हैं, वो उनका निर्णय है, लेकिन इस तरह की घर पे हमारे चढ़ के गुंडों द्वारा, समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा ये धमकी दी गई कि अगर भाजपा छोड़ के सपा में शामिल ना हुए तो हम तुम्हें अपनी भाषा में समझाने का काम करेंगे। और जब मैंने उसको हल्के में ले लिया, मैं छबरामू चला गया, लौटते वक्त मेरी गाड़ी पे फायर हुआ। और वो फायर जब हुआ तो सौरिक थाने की पुलिस और प्रशासन नेतृत्व को मैंने सूचना दी। सभी को सूचना देने के बाद प्रार्थना पत्र दे रहा था, तो प्रार्थना पत्र देते वक्त ही कई बार धमकियां फ़ोन से मिली, जिसकी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं, और घर पे जाकर मेरे पिता को, मेरे एक परिवार को जान से मारने की धमकियां मिली। और मैं अब ये भी चाहता था कि मुझे किसी भी प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, तो प्रशासन द्वारा, हमारे नेताओं द्वारा बात करके सुरक्षा मुहैया कराई गई, लेकिन अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है और पुलिस प्रशासन का ऐसा मानना है। भूपेंद्र शाक्य का इल्जाम है कि जब वो सौरिक थाने में शिकायत दर्ज करा रहे थे, तभी उनके पास राहुल ने फोन कर भद्दी गालियां दी और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी तक दी। अरे यार, हमने फाड़ूंगा तो तुम घर से निकाले, फाड़ दियो जब मर्जी हो तब फाड़ दियो, हम अकेले ही चलते भैया। अब आज के बाद और बढ़िया रहे जाओ कि अकेले ही चले, मर गए कोई दिक्कत नहीं भाई। राहुल यादव सौरिक थाना इलाके का टॉप 10 बदमाश है। उसका नाम थाने में अपराधियों की लिस्ट पर टॉप 3 में है, लेकिन इस समय वो जमानत पर चल रहा है। भूपेंद्र शाके की शिकायत के बावजूद पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। कन्नौज से राम ऋषि की रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।